snowshoe? ये सर रोल है। हाँ हाँ पहनो 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 पोस्टर उल्टा है सर, वो घुमा लेंगे। ये है बाबा आए बार बार, यही है पुकार, यही है पुकार। क्या बात है, लुक संजय फोटो ले लो, संजय फोटो ले लो। हाँ ये मेरे स्पॉन्सर। संजय सिंह का लिस्ट निकालो, दिनेश भाई का मेरे फोन से निकालो। अरे मेरा भी पीछे निकाल दो। दिनेश भाई को रिक्वेस्ट किया और दिनेश भाई ने उसे एक्सेप्ट किया, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई। हम भी बहुत मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कमलेश भैया की आपने इतनी अच्छी टैग लाइन दिया है हम लोगों को, और ये जो है गाना भी खूब सफल होगा। और मुझे लगता है कि ये जो अभी हम लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें ये भी हमारा एक हथियार होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ग्रुप फोटो एक मिनट सर, पीछे संजय आ जाओ, संजय संजय नजदीक से आके बताओ। जनता की है यही पुकार, बाबा बार बार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे, योगी आए बार बार ये आज ये गाना लॉन्च हुआ, यूपी की यही पुकार बाबा आए बार बार। ये हमारे हितेश्वर भाई जो हैं इसको रैप किए हैं और आनंद त्रिपाठी हमारे भैया इसको लिखे हैं और प्राण पांडा जी जो हैं इसके डायरेक्टर हैं और म्यूजिक किया है ध्रुव पटेल जी ने। तो अभी हम लोग के साथ में हितेश्वर जी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ही दो चार लाइन सुना दीजिए भैया, कैसे है गाना लगाइए इधर। हाँ चोरी और सीनाजोरी, अपराधी और भ्रष्टाचार, चोरी और सीनाजोरी, अपराधी और भ्रष्टाचार, योगी जी के है दुश्मन चार। झूठ बोल के बांध नहीं पाओगे चेहरे पर सेहरा, योगी जी ने लगवा रखा है हर और पुलिस का पहरा। यूपी की यही पुकार, बाबा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है योगी को जिताना है। यूपी की यही पुकार, बाबा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है योगी को जिताना है। जय हो योगी महाराज की जय। क्या बात है, क्या लगता है योगी योगी जी आएंगे? 100% आएंगे। देखिए और ये जो इनका गीत है ये मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वही हो रहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, जो गुंडा हैं, वो लोग जो हैं महाराज जी के राज में वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ छुपें, कहाँ भागें। और किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का भविष्य तभी तय होता है, अच्छा तभी होता है जब वहाँ शांति हो और गुंडे माफियाओं पे लगाम लगे, कानून का राज हो, तो ही आप वहाँ देखेंगे कि कोई व्यापारी अपना इन्वेस्टमेंट लगाएगा, कोई आदमी जो है वो, अगर हम लोग फिल्म भी बनाने आज यूपी में जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ एकदम सुरक्षित हैं और पहले की तरह गुंडागर्दी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आप एक घर बना लीजिए, आप एक गाड़ी खरीद लीजिए
तो गुंडे माफिया आपसे फिरौती मांगने आ जाएंगे, दे दो भाई 5 लाख, बहुत पैसा हो गया तुम्हारे पास। तो पहले कोई जाता नहीं था, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होता था यूपी में, और ना ही कोई वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। पर योगी जी की सरकार आने के बाद सब कुछ बदल गया, जीरो टॉलरेंस उन्होंने रखा, और अगर कोई अपराधी है तो भैया या तो यूपी छोड़ दो या तो दुनिया छोड़ दो, सीधा उनका ये कहना था। तो ऐसे में अब जो है यूपी में तरक्की हो रही है, यूपी की जनता खुश है, और आप देखेंगे चाहे वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसा कि लोग बात करते हैं कि योगी जी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, तो वो लोग गलत फहमी में हैं। जब वो जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि वहाँ के मुसलमान भाई भी कितने खुश हैं कि 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। जब दंगा होता है तो सिर्फ हिंदू नहीं मरता है, मुसलमान भी मरता है, और दंगा में ये नहीं कोई देखता है कि मतलब भाई कौन किस जाति का है, कौन धर्म का है, कौन किस बिरादरी का है। तो जब शांति होती है तो सबका जीवन खुशहाल होता है। तो पूजनीय महाराज जी ने जो जिस तरह की सरकार चलाई उसमें यूपी बहुत ही तरक्की कर रहा है, बहुत ही आगे बढ़ रहा है, और जनता बहुत खुशहाल है, और ये जनता की आवाज़ है कि जनता की यही पुकार बाबा आए बार बार। गाने के जरिए सर सरकार को यूपी में काबा बताया जा रहा है, सर उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे सर? यूपी में बुलडोजर बा, उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ जो पूछते हैं यूपी में काबा, तो यूपी में बुलडोजर बा, और एक बुलडोजर है सब पर भारी बा, क्योंकि जितने लोग गुंडे माफिया थे और जो सरकारी ज़मीनों से ले करके और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखे थे, जो गरीब लोगों को सताते थे, लूटते थे, उन लोगों पे बाबा का बुलडोजर ऐसा चला है, ऐसा बुलडोजर चला है कि वो अब कहीं दिखते नहीं हैं, और अब वहाँ जनता का राज है, अब किसी गुंडे माफिया का राज नहीं है। सर जी आज आपका एक गाना है जनता ने उमड़ के बोला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज मेरे बड़े भैया मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने गाना बनाया, बहुत ही शानदार गाना है, जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला, और मुझे भी उसमें मौका दिया उन्होंने कि दिनेश तुम भी आ जाओ, हम लोग साथ में इसको गाते हैं। तो पहली बार मैंने मनोज भैया के साथ मिल के कोई गाना गाया है, और वो गाना भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए हम लोगों ने गाया है, क्योंकि हम दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। तो ये अब चुनाव जब आया है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो हमने ये गाना गाया और आज उसको रिलीज किया गया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाना हम गाते इसलिए हैं कि जो लोग सवाल करते हैं, जैसे हम तो हर जगह नहीं जा सकते, कोई भी बड़ा नेता है या प्रचारक है वो हर जगह तो नहीं जा सकता, तो वहाँ जब हमारे कार्यकर्ताओं से कोई अगर बातचीत करता है या कोई बहस करता है, तो वहाँ उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो धीरे से बोलते ठीक है बेटा रुक जाओ, थोड़ा सा गाना लगाते हैं, गाना लगा देता है, और गाना ही सब कुछ गिना देता है कि हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, और जब तुम लोग थे तो तुम लोगों ने क्या किया, देश और प्रदेश की हालत क्या थी, और अब देश प्रदेश की हालत क्या है। तो इसलिए ये गाना बनाना ज़रूरी था, गाना बना, और अब कार्यकर्ताओं में जो है वो गाना पहुँच चुका है, कार्यकर्ता जोश के साथ में उसको बजा रहे हैं और पूरे जोश में है, और 100% फिर से हम लोग जो है 300 पार करेंगे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? हम तो हितेश्वर जी के गानों पे इतने समय से हम सुन रहे हैं, और उनकी जो वो गाते हैं वो एकदम साफ गाते हैं, दूसरी बात इतना टैलेंट है उनमें कि हमने सोचा कि क्यों ना बाबा जी के ऊपर भी एक सॉन्ग हो जाए, और एक उस माध्यम से एक लोगों तक वो बात पहुँचे कि क्या क्या हमारी प्रेजेंट सरकार ने जो काम किए हैं वो उन तक पहुँच जाए, जहाँ जहाँ कहीं कहीं जगह है इतनी छोटी छोटी गलियाँ रहती हैं जहाँ तक अभी तक लोगों को पता नहीं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किए, तो हम इस माध्यम से उन तक वो पहुँचाना चाहते थे। दिनेश जी चुनाव प्रचार में आपका लगने वाले हैं? मैं ये फिल्म कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, परसों से मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ, तो अब जब तक चुनाव है तब तक मैं लखनऊ में ही रहूँगा, और वहाँ से जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगेंगे वो कार्यक्रम करूँगा मैं, और चूंकि जिम्मेदारी हम लोगों की यही है कि हम पार्टी का प्रचार करें, हमारे जो भी प्रत्याशी हैं जितने उम्मीदवार हैं जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम जाएंगे। हाल ही में रानी चटर्जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया है,
प्रियंका जी ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ टीम के तहत उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है, आपको क्या लगता है चुनाव से पहले रानी चटर्जी की एंट्री कितनी मायने रखती है? बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है कि यही लोकतंत्र की यही खासियत है और यही खूबसूरती भी है कि हर किसी को अपना जो खुद का उसका जो भी चॉइस है वो अपना करे और जिस विचारधारा से भी जो भी प्रभावित होता है उस विचारधारा पे उसको चलने का पूरा हक है, यही तो लोकतंत्र है। अगर एक ही परिवार में आप देख लीजिए कि पिता है किसी और पार्टी में तो उसका बेटा किसी और पार्टी में है, भाई किसी और पार्टी में है, बीवी किसी और पार्टी में है, तो अपनी अपनी विचारधारा है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है और जिस विचारधारा को आप सपोर्ट करना चाहें उसको करें। हमें जो अच्छा लगता है उसको हम सपोर्ट करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उनको सपोर्ट करिए, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हितेश्वर जी, दिनेश जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो उनके हाथों से आपका गाना लॉन्च हुआ है? जी बिल्कुल, हम मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है दिनेश भैया के थ्रू ये लॉन्चिंग हुआ है, एक सपना था और ये सपना पूरा हुआ है मेरे लिए, इनसे मिलना ही बहुत बड़ा सपना था और ये भगवान जो करते हैं जो समय बांध के रखते हैं, आज यहाँ पे इस जगह पे आप लोग के सामने ये सपना मेरा पूरा हुआ और इनका जितना भी तारीफ करें वो कम है, ये तो धरोहर है भोजपुरी के, आन बान शान है भैया और क्या बताऊँ, तो आप लोग भी पता है दुनिया को पता है। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।